Good morning, my dear students. How are you? I hope you all are fine. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 3, Nature of Matter. And in previous video, we have already discussed about the various properties of matter. We have already discussed that what is matter, what are the constitutions of matter, various properties of matter, like how they are appear, how they are feel, about their transparency, opaque, है ना कि objects जो हैं मेरे वो opaque होते हैं, transparent होते हैं, and the material which are floating and sinking in water. These properties which we have already discussed. Now, today we will start from page number 38 and topic is diffusion. Our topic is diffusion. अब diffusion क्या होता है? Okay? तो डिफ्यूजन क्या होता है बेटा? डिफ्यूज हो जाना. डिफ्यूज मतलब एक दूसरे में मिक्सअप हो जाना, एक दूसरे के अंदर क्या हो जाना, मिक्स हो जाना. तो कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल, कि कोई भी दो मटेरियल्स उनका आपस में मिक्स हो जाना ऑन देयर ऑन, अपने आप उसको मिक्स नहीं करोगे, वो अपने आप मिक्स हो जाएंगे. तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन. क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को? डिफ्यूजन. द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स का आपस में मिक्स हो जाना अपने आप दो मटेरियल का, उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन. और ऐसा इसलिए होता है ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, क्योंकि पार्टिकल्स की मूवमेंट कैसी होती है? फ्री. आपने पढ़ा था गैशियस स्टेट के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कैन फ्रीली मूव. वाटर के पार्टिकल्स में भी स्पेस होता है तो वो ईजिली मूव कर सकते हैं. तो दे कैन ईजिली ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के फ्री होने की वजह से, उनकी फ्रीली मूवमेंट की वजह से दे कैन easily mix with each other. ठीक है. अब gases diffuse very quickly into each other. अगर हम gases की बात करते हैं, एक gas दूसरी gas में बहुत जल्दी diffuse हो सकती है. क्यों? क्योंकि gases के बीच में बहुत सारा space क्या होता है? empty होता है, खाली होता है. और इस वजह से they are freely able to move. वो इसलिए free होती हैं move करने के लिए और वो एक दूसरे के साथ easily mix हो सकती हैं. ठीक है. सो देयर पार्टिकल्स आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, उनके पार्टिकल्स कॉन्स्टेंट मोशन में रहते हैं. सो हेयर इज एन एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पे एक एक्टिविटी बहुत कॉमन एक्टिविटी है, आप अपने घर में भी देख सकते हो. कहते हैं अगर आपकी मम्मा ने आपके घर में, किसी ने भी, मम्मा हो, फादर हो या आप खुद भी, अगर आप मंदिर में एक अगरबत्ती जलाते हो, है ना, एक अगरबत्ती आपने जलाई और वो आपने उसको अनलाइट किया, अगर एक लाइटेड अगरबत्ती आपने कॉर्नर में जला दी या अगर अपने मंदिर में जला दी, मंदिर में भी अगर आपके मंदिर भी नहीं है, पूजा भी नहीं कर रहे हो आप, लेकिन अगर आपने कॉर्नर में जला दिया है, उसको लाइट कर दिया है, एनलाइट कर दिया है, तो आप देखते कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है. होता है. या समटाइम्स आप परफ्यूम लगाते हैं या डियो लगाते हो जब आपको भी, तो आप देखते हो कि उसकी जो फ्रेग्रेंस है वो पूरे रूम में फैल जाती है. होता है ऐसा समटाइम्स. एक और एग्जाम्पल देती हूँ कि मम्मा किचन में कोई खाना बना रही है तो उसकी जो फ्रेग्रेंस है, जब कुकर में विसल आती है प्रेशर कुकर में, तो उसकी जो विसल होती है उसकी वजह से जो उस खाने की जो फ्रेग्रेंस है वो आपके रूम तक अंदर तक भी आ जाती है, है ना. आपको बाहर से ही पता लग जाता है कि आज बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ रही है, क्या बना है. तो हाउ डज इट अकर, हाउ डज इट हैपन, कैसे होता है ये? देखो, कुकर की जो विसल बजी वो किचन में बजी, परफ्यूम लगाया आपने अपनी बॉडी पे लगाया, है ना, या आपने ऊपर लगाया, आपने जो अगरबत्ती को लाइटेड किया तो वो आपने एक कॉर्नर में किया या आपने मंदिर के किसी कॉर्नर में किया, मंदिर में किया, बट उसकी फ्रेग्रेंस पूरे रूम में फैल जाती है. देन हाउ दिस हैपन्स? बिकॉज जो आपके इन सभी चीज़ों के जो पार्टिकल्स हैं दे विल डिफ्यूज इन टू द एयर. वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? डिफ्यूज. वो धीरे धीरे उसके जो गैस, सपोज ये अगरबत्ती के जो पार्टिकल्स होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे? एयर में मिक्सअप हो जाएंगे. ठीक है. प्रेजेंट इन द रूम. इन अ सेम वे जो मैंने आपको कुकर का एग्जाम्पल दिया, प्रेशर कुकर का, एंड इन अ सेम वे जो मैंने आपको परफ्यूम का एग्जाम्पल दिया. क्लियर? तो ये तो हो गया गैसेज के बारे में. अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, लिक्विड डिफ्यूज इन टू ईच अदर क्वाइट स्लोली. अगर हम लिक्विड की बात करते हैं तो लिक्विड भी, एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के अंदर डिफ्यूज होता है, बट स्लोली. क्यों? क्योंकि आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में भी स्पेस खाली होता है, बट इतना नहीं जितना कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में था. आपने यहाँ पे देखा था ना कि सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस खाली नहीं है, लिक्विड में देखो थोड़ा थोड़ा है और गैसेस में तो बहुत ही ज़्यादा है. तो इसीलिए कह रहा है कि गैस पार्टिकल्स जो हैं दे कैन ईजिली मिक्स विद ईच अदर, और जो लिक्विड को लिक्विड में अगर आप करते हो तो वो भी डिफ्यूज़ हो जाता है, बट इट विल टेक सम टाइम. नाउ लेट अस शो यू, मैं आपको दिखाती हूँ छोटी सी एक्टिविटी के थ्रू.
यस बेटा, नाउ यू कैन सी आई एम टेकिंग सम वाटर इन अ बीकर. मैंने यहाँ पे पानी ले लिया बीकर में, ठीक है. आप देख रहे हो आई हैव टेकन सम वाटर, ठीक है. नाउ आई विल टेक सम ड्रॉप. अब मैं लूँगी एक ड्रॉप ऑफ इंक. आई एम टेकिंग अ ड्रॉप ऑफ इंक. ओके, अब मैं इसको पुट कर रही हूँ ना. आई विल पुट इट इन टू द, एक सिंगल ड्रॉप हम इसमें डाल देंगे. नाउ विल यू सी, अब आप देखोगे कि आपका जो ये वाटर का जो बीकर है, ठीक है, अब आप ध्यान से देखेंगे बेटा जो ये बीकर है, हाउ द स्लोली कि आप आपका जो ये कलर है इसका, ये धीरे 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 पूरे बीकर में फैल जाएगा. ओके, नाउ यू कैन सी स्लोली स्लोली स्लोली. अब अगर आप ध्यान से देखें पार्टिकल्स की मूवमेंट हो रही है स्लोली स्लोली. जो आपके पार्टिकल्स हैं वो पूरे के पूरे इसमें पानी में इसको कलर कर देंगे. इट विल टेक सम टाइम. ओके, तो ये एग्जांपल हो गया लिक्विड को जब हमने लिक्विड में डाला. क्लियर, कि जब एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज होता है. क्लियर हो गया? क्लियर बेटा? अगरबत्ती का हमने, प्रेशर कुकर का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो है गैसेस विल डिफ्यूज इनटू द गैसेस, कि एक गैस दूसरी गैस में डिफ्यूज हो रही है एयर में. एंड दिस इज द एग्जांपल, ये वाला जो हमारा एग्जांपल है कि इसमें एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डिफ्यूज हो रहा है. क्लियर हो गया? तो कह रहा आप देख सकते हो कि लिक्विड जो है दूसरे डिफ्यूज में, देखो मिक्स हो गया कम्प्लीटली, है ना, कम्प्लीटली ये मिक्स हो गया है. ओके, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट लिक्विड डिफ्यूज इनटू द अनदर लिक्विड. क्लियर? नाउ वी विल टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड, कि सॉलिड भी डिफ्यूज होते हैं कि नहीं. इसके लिए हम क्या करते हैं, एक और बीकर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी हमने ऐड ऑन कर लिया. अब हम इसमें क्या डालेंगे, अब मेरे पास एक केमिकल है उसका नेम है पोटेशियम परमैंगनेट. आई विल ऐड सम पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल्स. पोटेशियम परमैंगनेट, बेटा यू कैन सी ना आई हैव अ सॉलिड. अब आप देख सकते हो मैंने कितना सा लिया है, कितनी स्मॉल क्वांटिटी में लिया है, और आई हैव ड्रॉप्ड इट इनटू द, ये देखिए ये हमने सॉलिड डाला था, है ना, और वाटर मेरा लिक्विड था. अब ये सॉलिड पूरे वाटर का जो कलर है ये चेंज कर देगा. यू कैन सी वेरी क्लियरली, आप उसमें पार्टिकल्स की मूवमेंट भी देख सकते हो क्लियरली. आपको जो ये पार्टिकल्स की मूवमेंट है ये दिखाई दे रही है. यू कैन सी ये आपके पार्टिकल्स जो है सॉलिड के ऊपर की तरफ मूव हो रहे हैं, और ये पूरे मिक्स होकर के इसका जो कलर है थोड़ी देर में वो पिंक कर देगा. क्लियर हो गया? ये वाला एग्जांपल हो गया आपका लिक्विड को लिक्विड में डिफ्यूजन करने का, वो वाला मेरा एग्जांपल हो गया कि आपने सॉलिड चीज़ को जब लिक्विड में डिफ्यूज़ किया. क्लियर हो गया बेटा? गॉट माई पॉइंट? अब आपको कुछ फ्यू मिनट्स के बाद देखोगे तो ये पूरा का पूरा जो आपका कलर है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा. क्लियर माई डियर किड्स? यस बेटा, सो ये हमने पढ़ लिया कि आपका जो लिक्विड है वो डिफ्यूज़ होता है लिक्विड में बहुत स्लोली स्लोली, ठीक है. क्यों? क्योंकि उस लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते एज अवर गैसेस. ये हमने एक्टिविटी कर ली. फिर आता है सॉलिड्स डू नॉट डिफ्यूज विद ईच अदर. सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं होता, सॉलिड सॉलिड में डिफ्यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है, बिकॉज उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं. सपोज अगर आपने वीट और राइस को इकट्ठा मिक्स कर दिया, ठीक है, आपने उसको कर दिया, वो अपने आप मिक्स नहीं होगा बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी टाइटली पैक्ड, ठीक है. तो दे विल नॉट डिफ्यूज इन टू, बट दे विल डिफ्यूज इन टू द लिक्विड, लेकिन वो लिक्विड में डिफ्यूज हो सकते हैं. तो उसका एग्जाम्पल हमने ये एक्टिविटी कर ली पोटेशियम परमैंगनेट वाली, ठीक है. तो ये हो गया हमारा टॉपिक. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिसोल्यूशन. अब डिसोल्यूशन क्या होता है? When one substance mix completely with another substance to give a clear solution, कि एक सब्सटांस दूसरे सब्सटांस में पूरी तरह से मिक्स हो गया और अब आपको एक क्लियर सोल्यूशन मिला है, तो हम क्या कहेंगे कि वो उसमें क्या हो गया है, डिजॉल्व. क्या हो गया है बेटा? डिजॉल्व. लाइक अब हमने ये एक्टिविटी की थी, इसमें हमने एक लिक्विड दूसरे लिक्विड में डाला. नाउ यू कैन सी
आपका जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल क्लियर है। अब आप इसमें ये नहीं देख पा रहे हो कि आपका कलर कौन सा है, कलर कहाँ है, वाटर कहाँ है, ये कम्प्लीटली मिक्सअप हो गया है। तो ये हम क्या कहेंगे कि ये मेरा इसके अंदर क्या हो गया है, डिजॉल्व हो गया है। क्या हो गया है, ये इसके अंदर डिजॉल्व हो चुका है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है हमारी सब्सटेंस की डिजॉल्व होने की किसी दूसरे सब्सटेंस में, इसको हम कहते हैं डिसोल्यूशन। क्या कहते हैं इसको, डिसोल्यूशन। द प्रॉपर्टी बाय विच अ सब्सटेंस, ये प्रॉपर्टी जिससे एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिजॉल्व हो जाता है, इसको आप क्या कहेंगे, डिसोल्यूशन। और एक वाटर एक ऐसा सॉल्वेंट है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो बहुत सारे नंबर ऑफ सब्सटेंसेस को अपने अंदर क्या कर सकता है, डिजॉल्व कर सकता है। सो लेट अस सी कि कौन कौन से सॉलिड्स हैं, लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, ये तीनों चीज़ों को अपने अंदर डिजॉल्व कर सकता है या नहीं।